छह महीने के बाद बच्चा तभी अच्छे से ग्रो करता है जब उसको सही मात्रा में, सही टाइम पे और सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फीड यानी कि पूरक आहार स्टार्ट किया जाए। तो ये सही तरीका, सही टाइम और सही अमाउंट क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फीड का, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना प्रैक्टिशियन। दोस्तों आज मैं आपको ए टू जेड नॉलेज दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री फीड के बारे में, यानी कि छः महीने के बाद बच्चों को क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कब खिलाना है, सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें कवर की हैं। अगर इसको आपने पूरा देख लिया तो कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीड के क्वेश्चन रह नहीं जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि कब से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करना है। तो दोस्तों दो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो कि इंडिया वाले फॉलो करते हैं, और एक WHO जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। दोनों का ये कहना है कि 6 मंथ के बाद ही आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करें। कुछ जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं या कुछ कंट्रीज़ की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि 4 महीने पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि आप 6 महीने हो जाने दें, उसके बाद ही स्टार्ट करें, क्योंकि तभी बच्चे की आदतें डेवलप होती हैं, मेच्योर होती हैं। और अगर 6 महीने के बाद आप स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को फूड एलर्जी का खतरा कम से कम रहता है। तो हम बात करते हैं हम बच्चों को क्या खिला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। तो इसे हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मिल्क, दूसरा है स्टेपल फूड यानी जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इससे हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। उसके बाद है प्रोटीन, फिर है विटामिंस एंड मिनरल्स, और लास्ट में आता है एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने वाले फूड। तो हम एक एक करके बात करते हैं, मिल्क की बात कर लेते हैं। तो मिल्क में ज़्यादा कुछ बात करनी नहीं है, मिल्क हर कोई दे रहा होता है, या तो ब्रेस्टफीडिंग करा रहा होता है, तो फॉर्मुला मिल्क दे रहा होता है। बस एक चीज़ यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर काउ मिल्क या बफेलो मिल्क 1 साल से पहले देते हैं तो बेटर होगा, ना दें, अवॉइड करें। कई सारे नुकसान हैं, किसी को नहीं होता है, किसी को हो जाता है, लेकिन अगर हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेपल फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट जिसे मिलते हैं, उन फूड्स की बात करते हैं जो हम डेली लाइफ में अपने डे टू डे यूज़ करते हैं, जैसे कि दालें हो गई, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, और ज्वार, बाजरा, रागी जो पहले स्टेपल फूड था, इसके अलावा आलू हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सूजी हो गया, बेसन हो गया। अब इनको कैसे देना है वो हम एक एक करके जानते हैं। हम अगर गेहूं की बात करें तो आप बच्चों को दलिया बना के दे सकते हैं गेहूं का, और इसके अलावा आटा है, आटे को भून के आप पंजीरी बना सकते हैं। चावल की अगर हम बात करें तो चावल की आप खीर बना सकते हैं, महीन चावल पीस के उसके आप हलवा बना सकते हैं। बेसन की अगर हम बात करें तो बेसन की आप पंजीरी बना सकते हैं, बेसन, रवा या सूजी या फिर आटा, इन सबको आप मिला के भून के उसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर मिला के बढ़िया से पंजीरी बना सकते हैं, और बच्चों को जब भी भूख लगे आप घोल के दे सकते हैं। कि बेसन का सत्तू बनता है, सत्तू जब मन करे बच्चों को घोल के दे सकते हैं, कहीं ट्रेवल पे जा रहे हैं, रास्ते में है, तो बहुत अच्छा फूड रहता है। सूजी का आप उपमा बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं बच्चे के लिए। और एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, वो है पोटैटो। आप आलू को मैश करके बच्चों को दे सकते हैं। फिर आता है स्वीट पोटैटो, आप बच्चों को स्वीट पोटैटो दे सकते हैं, उसको मैश करके दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो भी आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं, आपको खाली दिमाग ये लगाना है कि आप उस चीज़ को बच्चे के खाने लायक कैसे बनाएं, कैसे उसको मैश करें, कैसे उसको गलाएं, और बच्चों को आप उसको दे सकते हैं। स्टेबल की बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। तो दोस्तों प्रोटीन के 2 सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। हम एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो मिल्क उससे मिलता है जो कि बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और बच्चों को आप मिल्क दे ही रहे होते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मिल्क बच्चे को 750 ml से ज़्यादा नहीं देना है जब बच्चा आपका 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है, उससे कम ही रखना है। मिल्क की जगह आप डाइट बढ़ाएं, उसका खाना बढ़ाएं, उसका आहार बढ़ाएं। तो मिल्क से प्रोटीन मिल रहा है, अगर आप उसका फॉर्म चेंज करना चाहते हैं तो एक दही बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और दही बहुत अच्छा रहता है बच्चे की आंतों के लिए, गट के लिए, उसकी हेल्थ के लिए। दही बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा, अवॉइड कर रहा है, तो आप दूध की जगह उसको दही दे, दही बना के दें। एक और सोर्स है इसी के साथ मिल्क से बना हुआ पनीर। पनीर आप वैसे तो हार्ड होता है, केसिन प्रोटीन होता है, लेकिन आप उसको अगर अच्छे से मैश कर दें तो आप बच्चे को वो दे सकते हैं। अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो एक बहुत अच्छा सोर्स है एग यानी कि अंडा। अंडे को आप बॉईल करके उसको मैश करके दे सकते हैं, अंडे का हलवा बना के दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से 8 महीने के बीच का है, दांत बिल्कुल नहीं आया है, चू करना नहीं सीखा है, तो आप ऑमलेट बना के ना दें, ऑमलेट क्योंकि किनारे किनारे हार्ड हो जाता है, वो बच्चे गले में अटक सकता है। बेबी को अगर आप मीट देना चाहते हैं तो आप छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे हैं, उनको आप बहुत बारीक कुटा हुआ कीमा उनकी खिचड़ी में डाल सकते हैं, उनकी दलिया में डाल सकते हैं, नमकीन दलिया अगर आप बनाते हैं, या फिर आप उसका सूप बना के या उसकी प्यूरी बना के बच्चों को दे सकते हैं। अब प्लांट प्रोटीन की अगर हम बात करें तो दालें, सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि सोयाबीन की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है प्रोटीन की, वो कम होती है, मतलब पच के एब्जॉर्ब कम होता है, हालांकि होता सबसे ज़्यादा है। फिर एक जो सोर्स है वो ड्राई फ्रूट है। आप ये कर सकते हैं कि देखिए दालें तो आप यूज़ कर रहे हैं, बच्चे के लिए खिचड़ी बना रहे हैं वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को ऐसे दाल पिलाइए, गाढ़ी दाल बनाइए। दाल का पानी बच्चे का कॉम्प्लीमेंट्री फूड नहीं है, वो तो डायरिया का ट्रीटमेंट है।
जो पहले रिकमेंडेड था। आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना है तो दाल बनाइए, गाढ़ी बनाइए, वो बच्चों को खिलाइए, साथ में दाल की खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी बनाते में आपको दाल ज़्यादा लेनी है, मतलब अगर दो हिस्से आप दाल ले रहे हैं तो एक ही हिस्सा चावल लीजिए, चावल कम रहेगा दाल ज़्यादा रहेगी, ऐसी खिचड़ी बच्चे के लिए बनाइए। इसके अलावा जैसे आप सोयाबीन के जो दाने हैं, सोयाबीन के दाने को आप भून के उसको पिसवा लें, या सोयाबीन के जो आटा है उसको ले लें, उसको अपने जो भी खिचड़ी बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, जो भी बच्चे का आहार बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट पाउडर जो कि बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं, ड्राई फ्रूट पाउडर आप बना के उसको रोस्ट करके आप उसको रख सकते हैं। आपने बच्चे के लिए दूध बनाया, दूध में डाल दिया, आपने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाया उसमें डाल दिया, खीर बनाया उसमें डाल दिया। बस एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें ड्राई फ्रूट को, मैं आगे बताऊँगा लास्ट में जहाँ पर मैं प्रिकॉशन बताऊँगा। इसके बाद हम बात करते हैं वाइटमिन एंड मिनरल्स के लिए। तो वाइटमिन और मिनरल का सबसे अच्छा जो सोर्स है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। अब फ्रूट्स आप बच्चों को रोज़ स्नैक्स में दें, रोज शाम को 5 से 6 के बीच में या 4 से 6 के बीच में जिस टाइम स्नैक्स का टाइम होता है उस टाइम आप बच्चों को बनाना दे सकते हैं, चीकू दे सकते हैं, आप बच्चों को मैंगो दे सकते हैं जब मैंगो का सीज़न हो, या फिर आप पपाया दे सकते हैं। ऐसे कोई भी फल जो कि गूदेदार होता है, जिसमें कि जो आप मैश कर सकते हैं, जिसका आप पेस्ट टाइप का बना सकते हैं, वो आप बच्चों को दे सकते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए आपका, थोड़े दांत आ जाए, चीकू ना सीख जाए, तो आपको फिंगर स्नैक के तौर पर आप बच्चों को केला पकड़ा सकते हैं, बच्चों को चीकू पकड़ा सकते हैं, बच्चों को गला हुआ अमरूद वगैरह पकड़ा सकते हैं, इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं। और वेजिटेबल देने का जो सबसे अच्छा तरीका है, मैं अपने क्लाइंट को सबको ये रिकमेंड करता हूँ, जब भी आप बच्चे के लिए खिचड़ी बनाएं, दलिया बनाएं, ओट्स बनाएं, कुछ भी नमकीन चीज़ ऐसी बनाएं, आप उसमें घर में जो भी बच्चे की सब्जी है आपकी, कद्दू है, लौकी है, मूली है, शलजम है, गाजर है, टमाटर है, जो भी चीज़ आपके यहाँ बची है, आप सब्जी बनाइए अपने लिए, उसमें इतना सा छोड़ दें अपने बच्चे के लिए। कोई भी सब्जी बना रहे हैं वो सब छोड़ते जाएं, वो इकट्ठा कर लें, और जब बच्चे खाना बनाए तो वो महीन महीन चॉप करके और बच्चे के खाने में डाल दिए, बच्चे को मिनरल्स भी मिल जाएंगे, वाइटमिन भी मिल जाएंगे, और बच्चे की हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी। और पांचवें नंबर पे हम बात करते हैं एनर्जी की। जब भी आप बच्चे खाना बनाए या उसका पूरा आहार बनाए या कुछ भी उसको बच्चे खाना दें, आप थोड़ा सा घी या फिर कोई अच्छा सा वेजिटेबल ऑयल, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, ये बच्चे के डाल दें, आधा से एक चम्मच सफिशेंट है, वो डालने से बच्चे के खाने की डेंसिटी की एनर्जी बढ़ जाएगी, बच्चे का खाना ज़्यादा एनर्जी डेंस हो जाएगा, उसका वजन अच्छे से बढ़ेगा और बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, जैगरी यानी कि गुड़, गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ को पाउडर बना लें, पाउडर बना के वो डाल दें, और एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने के लिए आप ड्राई फ्रूट पाउडर डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चे की जो फूड है उसकी एनर्जी की डेंसिटी को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है। और एक काम और करिए, बच्चों को जो भी आप मिल्क देते हैं, जो भी आप मिल्क की चीज़ें बनाते हैं, मतलब जैसे आप ओट्स बना रहे हैं, आप मीठी दलिया बना रहे हैं, आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, आप फुल क्रीम मिल्क का यूज़ करें। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जो मिल्क है, आप काऊ का या बफेलो का, मैं मना करता हूँ कि आप पीने को मत दें 1 साल से कम के बच्चे को, लेकिन अगर आप कुछ बना रहे हैं उसका, कोई आप डिश बना रहे हैं, कोई उसका कॉम्प्लीमेंट्री फीड बना रहे हैं, तो वो आप बना सकते हैं। वो तो नहीं आप ब्रेस्ट मिल्क बनाएंगे या फॉर्मुला मिल्क बनाएंगे, तो वो आप एनिमल मिल्क में बना सकते हैं, क्योंकि उसको बनाने से उसमें जो चीज़ें मिलती हैं आप गर्म करते हैं, उससे उसकी तासीर थोड़ी बदल जाती है और वो उतना लोड नहीं डालती जितना कि जो एनिमल मिल्क डायरेक्ट पीने में डालती है। ये बात का आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह का रखना है, किस तरह का खाना खिलाना है, आहार कंसिस्टेंसी क्या रखना है। तो देखिए, जब बच्चा आपका अभी शुरू कर रहा है दूध, तो अभी तक सिर्फ मिल्क पीता था, उसे लिक्विड डाइट लेने की आदत है। डायरेक्ट अगर आप उसको गाढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री फीड देंगे तो बच्चा नहीं लेगा। आपको करना यह है कि सबसे पहले बिल्कुल पतला सा बनाएं, आप ऐसे उठाएं और वो डालें तो गिर जाए, बिल्कुल पतला पतला। आप चाहे सरेले घोल के दे दें, चाहे आप खीर पत्ती से बना दें, चाहे आप दलिया पत्ती से बना दें, आप दें बच्चे को। उसके बाद 1 से 1.5 हफ्ते में धीरे धीरे उसको गाढ़ा करते जाएं, गाढ़ा करते जाएं, और 1 से 1.5 हफ्ते में उसको इतना गाढ़ा कर दें कि जब आप इस पिक्चर की तरह जब चम्मच से उठाएं आप और नीचे लटकाएं तो ऐसे वो लटका रहे। इस चीज़ का, इस तरह की कंसिस्टेंसी बच्चा खाता है, इस तरह की कंसिस्टेंसी बच्चे को देना होता है। फिर हम बात करते हैं कितना खिलाना है। जब आप बच्चों को खिलाना स्टार्ट करें तो जो छोटा वाला चम्मच होता है आप उससे स्टार्ट करें। 1 चम्मच दिन में 3 बार अगर बच्चा मिल्क पी रहा है, और 5 बार अगर बच्चा मिल्क नहीं पी रहा है, इतना आपको देना है शुरुआत के कुछ दिन। इसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा दें। जब बच्चा आपका 1 हफ्ते का हो जाए, 1.5 हफ्ते का हो जाए, उस वक्त तक एक बड़ा, जिसे हम टेबल स्पून कहते हैं, जो बड़ा चम्मच होता है, उतना बच्चा लेने लगे। क्वांटिटी वही है, 3 टाइम जो बच्चे मिल्क ले रहे हैं, और जो मिल्क नहीं ले रहे हैं उनके लिए 5 टाइम। फिर जब आपका बच्चा फुल डाइट लेने लगा और सॉलिड का आदत उसको पड़ गई, सॉलिड लेने लगा, तब आप उसकी डाइट प्रॉपर इस चार्ट की तरह दें। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ऐसे ही आपको देना है, और इसको कहीं नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पर जो कटोरी है और बाउल है, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग होती है। कटोरी, छोटी कटोरी जो होती है उसका जो अमाउंट आता है वो करीब 150 ग्राम आता है, और जो बड़ी कटोरी होती है जिसे हम बाउल बोलते हैं उसमें करीब 250 ग्राम आता है। तो आपको जो डाइट है वो जिस भी कटोरी में आप देते हैं वो आप इस चार्ट से आप नाप सकते हैं, देख सकते हैं।
तो जब बच्चा आपका 6 से 8 महीने का है तो फिर आपको छोटी कटोरी से अगर आप देते हैं तो आपको आधी कटोरी बच्चे को देनी है, और अगर आप बड़ा बाउल यूज़ करते हैं तो 1/4 बाउल आपको बच्चे को देना है। तो ये जो अमाउंट है वो वही है, 3 टाइम्स देना है अगर आप बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग करा रहे हैं, और अगर नहीं करा रहे हैं तो 5 बार देना है। और 9 to 12 मंथ का अगर आपका बच्चा है तो फिर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। कटोरी से अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 कटोरी देनी है, और अगर आप बाउल से दे रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको 1/2 बाउल देना है। क्वांटिटी यहाँ पर आपको बढ़ानी है, साथ साथ आपको टाइमिंग भी बढ़ानी है। आपको अब 4 से 5 बार बच्चों को आहार देना है, और 1 साल से 2 साल के बीच के बच्चों को जो अमाउंट रिकमेंडेड है वो 1.5 कटोरी, अगर आप छोटी दे रहे हैं तो 1.5 कटोरी, अगर आप बड़ा बाउल दे रहे हैं तो 1/3 बड़ा बाउल आपको देना है। यहाँ पर भी आपको 5 बार दिन में बच्चों को देना है, और इन तीनों में स्नैक्स एक्स्ट्रा है, मतलब आप स्नैक्स बीच में जब आप शाम के टाइम पे 5 से 6 के बीच में या 4 से 6 के बीच में आप अपने बच्चों को कोई फ्रूट दें स्नैक में, ये एक्स्ट्रा है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो मतलब अगर आपका बच्चा 1 साल से 2 साल का है तो 5 बार तो आपको आहार देना है, डाइट देनी है, और 1 टाइम उसको कोई फ्रूट देना है एज ए स्नैक। एक चीज़ और यहाँ नोट करने वाली है कि जब बच्चा आपका 1 से 2 साल का हो जाता है, उसके दांत अगर निकल आए हैं प्रॉपर तरीके से, चिकना सीख गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए अलग से कुछ बनाएं, अलग से कोई चीज़ डिश तैयार करें। आप जो फैमिली पॉट है, जो आप घर में जो बना है वही आप दे सकते हैं। बस ये कि आपका जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा बच्चे के हिसाब से बनाएं, मतलब मिर्च कम डालें, उसमें नमक वगैरह तेज़ मत रखें, ये सब चीज़ें ऐसे बनाएं कि बच्चा भी उसको आराम से खा ले। अब यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कुछ प्रिकॉशन जो कि आपको लेना है अगर आप अपने बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीड दे रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको 750 ml से ज़्यादा दूध बच्चे को नहीं देना है, वरना बच्चे का पेट दूध से भरा रहेगा और खाना नहीं खाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपने बच्चे के डाइट में जो भी चीज़ आप ऐड करते हैं वो आप करीब 3 से 5 दिन या कोई 1 हफ्ता बोलता है, इतना आपको लगातार देते रहना है बिना उसको चेंज किए हुए। उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि जो आहार आप दे रहे हैं, आपने जो स्टार्ट किया है, इससे बच्चों को एलर्जी तो नहीं हो रही है, किसी तरह की उसको अपच तो नहीं हो रहा है, डाइजेशन तो ख़राब नहीं हो रहा है। अगर उस चीज़ से बच्चों को एलर्जी होती है तो उसको नोट डाउन कर लें और आगे उस चीज़ को ना दें, और अपने डॉक्टर को भी एक बार दिखा लें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पीनट, ड्राई फ्रूट्स, सोया, एग, इन सब से अक्सर लोगों को एलर्जी पाई जाती है। तो अगर परिवार में, फैमिली में किसी को इससे एलर्जी है तो अपने बच्चों को ये चीज़ 1 साल से पहले नहीं दें। अगर कोई हिस्ट्री नहीं है इस तरह की तो फिर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको लेने के बाद बच्चों के सिम्टम आते हैं, पेट खराब होता है, कोई एलर्जी वाले सिम्टम आते हैं, तो फिर आप इसको बंद करें और अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। बच्चों को खाने में कोई भी ऐसी चीज़ ना दें जो कि उनके गले में अटकने का डर हो, जैसे कि मटर के दाने, मूँगफली के दाने, जैसे कि जो साबूदाना है, कड़ा साबूदाना, या फिर किशमिश, या फिर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, ये सब बच्चों को ना दें, अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक जो बहुत बड़ा मिथ है, यानी कि शुगर और सॉल्ट बच्चों को नहीं देना है, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें। बच्चों को आप शुगर दे सकते हैं, जैगरी दे सकते हैं, सॉल्ट दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट अनुसार, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ज़्यादा देना नुकसानदेह है, ओवर देना नुकसानदेह है, लेकिन जो एक लिमिटेड अमाउंट में देना नुकसानदेह नहीं है। तो आप शुगर यूज़ कर सकते हैं, उससे बेटर है कि आप जैगरी यानी कि गुड़ का पाउडर यूज़ करें, और उससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप जो खजूर है उसको गला गला के, जैसे आपने खीर बनाई मान लीजिए तो उसमें खजूर भी साथ में डाल दी, वो गल जाएगा, फिर उसको जब आप मिला लेंगे, मैश कर देंगे, तो वो मीठा भी हो जाएगा। इससे खीर में आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान होने का डर भी नहीं रहेगा। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का आज का है ये कि जो आप बिस्किट यूज़ करते हैं, जो आप ब्रेड यूज़ करते हैं, या जो भी इस तरह की आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो मैदे वाला बिल्कुल मत यूज़ करें। अगर आपको ब्रेड यूज़ करना है बच्चे के लिए, दूध और ब्रेड आप देते हैं, तो आप 100% आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड नहीं, ब्राउन ब्रेड में भी मैदा होता है, आपको 100% आटा ब्रेड यूज़ करें। या फिर अगर आप बिस्किट यूज़ कर सकते हैं तो उसमें आप देखें कि बिस्किट में ये मैदे वाला बिस्किट ना हो, उसमें आटा का जो अमाउंट है वो 75% से ऊपर हो। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ ऐसी दे रहे हैं जिसमें कि मैदा हो तो वो सब अवॉइड करें, वो सब बिल्कुल ना दें। बेटर ये होगा कि घर की रोटी बनी हुई दें, उसको आप अच्छे से मैश कर दें बिल्कुल बारीक बारीक, वो दूध में डाल के दें, ब्रेड से और इन सब चीज़ें, वो बेटर है। दोस्तों मैं होप करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीड उन्होंने नहीं स्टार्ट किया है। अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखिए, और देखते रहिए हमारे चैनल हेल्दी चाय। थैंक यू।